राजस्थान के पिड़वा नगर पालिका में शुक्रवार को जिले एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ए नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता संवर्धन प्रशिक्षण बैठक का आयोजन पालिकाध्यक्ष निर्मल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध जानों जिन प्रतिनिधियों के सुझावों से नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 15 सूत्रीय कार्यों की रूपरेखा बनाई गई। इसमें रात्रिकालीन सफाई का समय रात्रि 9 बजे करने, प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन करने, हर वार्ड के बुद्धिजीवी लोगों की स्वच्छता कमेटी के गठन करने, छाइश के बाद गंदगी करते पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों पर दंड का प्रावधान, छोटी छोटी गलियों में स्वच्छता वाहन में नियुक्त कर्मियों द्वारा कचरा संग्रहण करने, स्वच्छता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने, शहर में कचरों के ढेर की सफाई करने व उनकी मॉनिटरिंग करने व चंबली नदी की सफाई करवाने व नदी में मलबा डालने वालों पर सख्त कार्यवाही करने, खाली पड़े भूखंडों के मालिकों को नोटिस जारी करने व उनमें कचरा डालने वालों पर पेनल्टी लगाने, पॉलीथीन बंद करने, स्वच्छता के लिए महिलाओं व स्कूली बच्चों को जागरूक करने, नगर पालिका में सफाई सेल व कंट्रोल रूम बनाने के सुझावों पर विचार विमर्श किया गया, जिससे नगर को स्वच्छ व साफ सुथरा रखा जा सके। बैठक में भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल, पालिका उपाध्यक्ष प्रमोद जैन, जे एन धर्मराज गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे।